बच्चों ने बहुत बड़ी तैयारी की है और अभी हमारे ओझा जी जो बहुत ही बड़े विद्वान हैं, वो कह रहे थे कि बच्चे इतना सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं कि पूरे भारत का दर्शन करा रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है सब बच्चों के लिए। हमारी सूर्या फाउंडेशन वाले जयप्रकाश जी भी बड़े धर्मात्मा महात्मा यहाँ पर हैं, सभी विद्वान महापुरुष हैं, श्रद्धामयी माताएं हैं और बच्चों के साथ बहुत से अभिभावक भी हैं। बच्चों में बहुत प्रकार का कौशल होता है, ज्ञान विज्ञान का एक कौशल है और ज्ञान विज्ञान तकनीकी और उस नॉलेज साइंस टेक्नोलॉजी को स्किल में रूपांतरित करने का सामर्थ्य, वहीं दूसरी ओर हमारे भीतर जो अखंड निष्ठा और प्रचंड पुरुषार्थ का भी सामर्थ्य। इस प्रकार से ज्ञान का सामर्थ्य और उस असीम ज्ञान सामर्थ्य के साथ इनके भीतर अखंड निष्ठा और प्रचंड पुरुषार्थ भी यहाँ पर जागृत हो रहा है। तो सब बच्चों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है जिन्होंने यहाँ पर हमारे गुरुजनों के सानिध्य में आदरणीय श्री सैनी जी और कुंडू जी के मार्गदर्शन में बेटी जाह्नवी और जो अलग अलग हमारे गुरुजन इनको अलग प्रकार से शिक्षा दीक्षा और संस्कार दे रहे हैं, उनके सानिध्य में बहुत कुछ पा रहे हैं। एनुअल फंक्शन में अलग अलग प्रकार की थीम लेकर के आप लोग साल में एक बार ये बड़ा उत्सव रखते हैं। इस बार का थीम इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत का, और ये सत्य है कि सारी दुनिया के इतिहास 2 से 3 हज़ार वर्षों में सिमट जाते हैं यदि 1,96,08,13,117-18 वर्ष पुरानी यदि कोई संस्कृति है, करीब 200 करोड़ वर्ष पुराने अपने भारत की धर्म दर्शन अध्यात्म और संस्कृति पर हमको गौरव है और उस गौरव को आप यहाँ पर अभिव्यक्ति दे रहे हैं और उसके कुछ पहलू यहाँ पर सामने आ रहे हैं। करोड़ों वर्ष पुरानी भारत की सांस्कृतिक विरासत को लेकर के आध्यात्मिकता और आधुनिकता को साथ साथ लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं और आज आप सबको आशीर्वाद देने के लिए हमारी भारतीय संत परंपरा सन्यासियों योगियों की परंपरा के गौरव महापुरुष और जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर हमारे उस ऋषि सत्ता के वर्तमान जो आप्त पुरुषों के बारे में हमने सुना है, उन आप्त पुरुषों के मूर्त रूप हमारे आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य अवधेशानंद जी महाराज जी हमारे बीच में एक बार सबके ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन हम करते हैं। और हम चाहते हैं कि अगला कार्यक्रम शुरू हो उसके मध्य में पूज्य महाराज श्री का आशीष हम सबको मिले, इसलिए मैं पूज्य महाराज श्री को मंच पर आमंत्रित करता हूं। तो महाराज जी मंच पर आकर के हम सबको अनुग्रहित करेंगे। कल्याणी धर्म योग धारा पतंजल पीठ की यह मानव शिल्प के लिए ख्यात और इसके प्रेरक और इस समग्र सत्ता की नाभिकीयता में भारत के उज्ज्वल उन्नत उत्कृष्ट और अतुल्य जीवन की झलक जिनके चरित्र चिंतन आचरण जीवन शैली और श्वास-श्वास से पूरे विश्व को चमत्कृत करती है, ऐसे वंदनीय योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज आचार्य कुलम की ये नवोदित प्रतिभाएं और इनसे झांकता हुआ सारस्वत दिव्य स्वरूप जिसमें समग्र प्रतिभा समाहित है,
ऐसे ये भावी आशाएं आचार्य कुलम के इन छात्रों के माता पिता और यहां इस अवसर पर अनेक प्रतिष्ठित गणमान्य बंधु भगिनियों, ये सब देखकर किसका मन गौरवान्वित नहीं होगा। ये सब भारत का गौरव हम देख रहे हैं, यह भारत की विद्या विभूति, यह भारत की अतुल्य क्षमता। मैं अत्यंत आनंदित हूं, रियली आई एम वेरी मच हैप्पी टू बी हियर एंड आई एम सीइंग द परफेक्शन वननेस, आई एम सीइंग द परफेक्ट पर्सन, आई एम प्राउड ऑफ दिस पतंजलि योगपीठ and really I'm proud of our beloved Pujya Swami Ramdev Ji Maharaj. जब पूरे विश्व में भय अस्वच्छता अशांति कलह अनीति दमन अत्याचार शोषण उत्खनन और केवल अपने हित की चिंता हो, जब पूरे विश्व में एक आतंक है और बड़ी असुरक्षा है, इनसिक्योरिटी, इस समय पूरे संसार में अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा है, भय है, अनीति दमन अत्याचार शोषण संग्रह और केवल अपने स्वार्थ या अपने हित की चिंता, पूरी चेतना भौतिकी ये बनी है या वो बहुत आर्थिक है या पदार्थ के पास परिक्रमा करते हुए दिखाई दे रही है, एकांगी पूरी चेतना, जो चेतना है मानवीय चेतना त्रस्त है, क्योंकि पदार्थ में स्वाभाविक रूप से एक आकर्षण तो है पर नित्यता नहीं है, वहां वैसे स्वच्छता नहीं है, वहां वैसा आनंद नहीं है, वहां पूर्णता नहीं है, उस पदार्थ से परे ले जाने वाली कोई एक विद्या यहां सुरक्षित है। मैं एक बहुत बड़ा सपना लेकर यहां खड़ा हुआ हूं, आचार्य कुलम न केवल जिला स्तर पर हो, मेरी भगवान से प्रार्थना है वो तहसील ब्लॉक और गांव गांव तक पहुंचे और फिर विश्व में जाएं। अगर कभी हम जगत गुरु थे या हैं तो ऑल बिकॉज ऑफ अवर विजडम नॉलेज and that is the only key to success. If we have knowledge, if we have the wisdom, then we can open the any lock. And I'm seeing here wisdom, I'm seeing here the knowledge. So this is the source of knowledge. तो ये जो एक विद्या है वही तो मुक्ति का साधन है, बंधन से मुक्ति, भ्रम भय से मुक्ति, जड़ता चिंता अवसाद से मुक्ति, एक बड़ा अवसाद डिप्रेशन एंजाइटी टेंशन। तो जो इस डिप्रेशन है, जो ओवरऑल एंजाइटी है, उस ओवरऑल एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए वो विद्या आर्ष विद्या, आर्ष विद्या। आप जानते हैं आचार्य गुरुकुलम का बीज क्या है? आर्ष विद्या। हम ये आर्य बनाने यानी श्रेष्ठ बनाने का ये बीज है, संप्रदाय के विस्तार का बीज नहीं है। एक बड़ा समूह रच दिया जाए, मनुष्यों का झुंड अपने नाम पे खड़ा कर दिया जाए और वो झुंड दिखाई दे कि ये किनके हैं, तो झुंड और समुदाय या संप्रदाय या कुछ मान्यताओं के प्रचार प्रसार के लिए ये कार्य नहीं है, ये आर्ष बीज है, आर्ष बीज। और उसका फल, उसका फल मुक्ति है, आनंद है, उल्लास है, पूर्णता है और लोक हित है। एक छोटी सी बात और कहूंगा, चूंकि बिकॉज इट इज द इंटरप्शन, यू नो ये एक हल्की सी लिटिल थोड़ी सी बाधा सी है, इतने रस में आनंद में उत्सव में एक हल्का सा फिर एक ऐसा कुछ आना, पर आई एम प्रेजिंग यू, रियली आई एम एडमायरिंग यू, आई अप्रिशिएट यू,
really are doing so well. And this is an amazing. अब तक के जितने भी मैंने कई विद्यालयों के कार्यक्रम देखे उनमें अधिकांश नृत्य बहुत अच्छे हैं, भंगिमाएं हैं, चितवन हैं, अथवा उनके अभिनय अत्यंत चकित कर देने वाले हैं, पर पीछे सीडी बज रही होती है. आई एम सीइंग हियर द लाइव ऑर्केस्ट्रा, आई एम द सीइंग हियर द लाइव बैंड, एंड दे आर ऑल इन्फेंट, दे आर ऑल लाइक पांचवी छठी सातवीं में हमारे है क्या, अभी नौवीं क्लास तक के तो बच्चे हैं, इससे ज्यादा तो बच्चे हमारे पास बड़े हैं ही नहीं. ये पांचवी के बच्चे बैठे हैं, वहां नौवीं तक के बच्चे होंगे. वो पंजाबी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं, एंड आई एम 100% श्योर कि पतंजलि का बच्चा विश्व की हर भाषा बोलेगा. इनक्रेडिबल इंडिया, ये आचार्य कुलम का स्वप्न, अतुल भारत पूरे विश्व के कल्याण के निमित्त है, और ये बीज अब एक विशाल विटप बनने की स्थिति में है. बहुत बहुत शुभकामनाएं. जबकि आज वाल्मीकि जयंती है और भगवान राम की जो एक दैवीय सत्ता, ईश्वरीय सत्ता को जिसने अपने श्लोकों से गाया, आप तो सब जानते हैं धरती का पहला श्लोक वाल्मीकि के मुंह से निकला, पहला महाकाव्य, धरती का पहला कवि, धरती का पहला कवि, धरती और जिव्या पर पहला श्लोक वाल्मीकि जिव्या पर आया. तो ये इस तरह से मैं देख रहा हूं कि वाल्मीकि जयंती के ऊपर आचार्य कुलम का ये पाठोत्सव, वार्षिकोत्सव, और ये प्रतिभाएं राम और वाल्मीकि के दर्शन कराती है. मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं. तो पूज्य महाराज श्री के आशीषों से हम सब अनुग्रहित हुए हैं, और जैसे महाराज श्री ने कहा कि ये सपना आचार्य कुलम का खाली हरिद्वार में ही नहीं, ये आचार्य कुलम का सपना देश के प्रत्येक जिले तहसील स्तर पर ही नहीं, पूरे विश्व में आचार्य कुलम की शाखाएं खोलें, ये सपना बहुत जल्दी हमारा साकार होने वाला है. हम पढ़ाते थे अपने विद्यालयों में, विद्यालय हमारे, विश्वविद्यालय हमारे, अध्यापक आचार्य गण प्रिंसिपल चांसलर वाइस चांसलर हमारे, लेकिन हमारे विद्यालयों में, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम अंग्रेजों के जमाने का चल रहा था. ये परंपरा भी टूटेगी और भारत की पुरानी शिक्षा परंपरा का उदय होगा. माने हम साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ अब खाली आचार्य कुलम के ही नहीं, खाली हरिद्वार के आचार्य कुलम ही नहीं, पूरे देश और दुनिया के बच्चे आधुनिक शिक्षा के साथ वैदिक शिक्षा भी पढ़ेंगे, वेद भी पढ़ेंगे, दर्शन उपनिषद भी पढ़ेंगे. तो ये कार्य बहुत जल्दी ही, वैदिक एजुकेशन बोर्ड का जो सपना था हमने उसको थोड़ा नाम, क्योंकि कुछ लोग नाम पर बड़ी आपत्तियां करते हैं, हमको तो काम से तात्पर्य है, इसलिए वैदिक एजुकेशन बोर्ड का नाम हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड कर दिया, और इस बोर्ड को जल्दी ही एफिलिएशन मिलने वाला है. तो इसमें खास बात यह होगी कि हमारे बच्चे जब संस्कृत पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं और अंग्रेजी पढ़ते हैं, और साथ साथ सोशल साइंस, ये चार विषय ऐसे हैं जिनको पढ़ाते पढ़ाते हम इनको वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, सारे मत पंथों के जो वैज्ञानिक और सार्वभौमिक सत्य और अपनी सांस्कृतिक विरासत, उस सब से हम परिचय करवा देंगे. और ये सपना हमारा बचपन का था कि हमारी ये, जिसको महर्षि ने अभी कहा, ये आर्ष विद्या का केंद्र है, ये आर्ष विद्या अब पूरा हिंदुस्तान ही, पूरा जहान पढ़ेगा, ऐसे कार्य हम आगे करने. तो ये काम आगे होना है, इसके लिए अभी क्योंकि थोड़ा कार्य शेष है, पिछले 2.5 वर्षों से कार्य चल रहा था, अभी हमने करिकुलम बना करके ऑफिशियली हम इसका अनाउंसमेंट थोड़े दिनों में करेंगे, अनऑफिशियली आपसे बता दे रहे हैं कि ये इस कार्य के लिए
आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, हमारी शिक्षा का जिनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है एचआरडी मिनिस्ट्री में, आदरणीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी और पूरी मोदी सरकार इस बात के लिए तैयार है कि अब बहुत जल्दी ही अब इस अपनी भारतीय शिक्षा परंपरा को गौरव देने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड को एचआरडी मिनिस्ट्री की मान्यता मिल जाएगी और शिक्षा व्यवस्था का भारतीयकरण का एक नया अध्याय आजाद भारत में फिर से शुरू हो जाएगा। इस शिक्षा का आध्यात्मिकीकरण, स्वदेशीकरण, भारतीयकरण, मानवीयकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। आप सब आगे का कार्यक्रम उसको इसी तरह से निरंतरता के साथ आगे बढ़ाते चलेंगे। पूज्य गुरुदेव अभी आने वाले हैं, बाकी हमारे बड़े विद्वान महापुरुष यहाँ पर विराजमान हैं। और मैं देख रहा हूँ पिछली लगातार जो आपके एनुअल फंक्शंस हैं उसमें इस बार के फंक्शन में ऐसा लग रहा है कि जैसे पूज्य महाराज श्री ने कहा कि एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड 100% प्रोफेशनल परफॉर्मेंस आपकी यहाँ पर हो रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने बहुत तैयारी की है, दिन में पढ़ाई और रात को तैयारी माने इन बच्चों के इस पुरुषार्थ को देख करके लगता है कि आचार्य कुलम के बच्चे दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा सामर्थ्य इनके भीतर पैदा हो रहा है। और पूज्य महाराज श्री ने आकर के जो हमें आशीष दिए हैं और आपकी हौसला अफजाई की है, आपको उत्साह दिया है, आपको जो प्रेरणा मार्गदर्शन दिया है उससे हम बहुत ही प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं। अभी ऐसे ही अपने इस अनुष्ठान को आप आगे बढ़ाइए, ये तो इस पूरे अभियान की एक झलक मात्र है। इसी तरह से सर्वांश में आपके जीवन में दिव्यता और भव्यता दोनों ही घटित हो रही हैं। आपकी असीम ज्ञान शक्ति, आपकी अखंड निष्ठा और आपका प्रचंड पुरुषार्थ, ये तीन ही शक्तियां भगवान ने दी हैं हमें। एक ज्ञान तत्व हमारे भीतर, एक निष्ठा तत्व है और ये एक पुरुषार्थ तत्व है, और ये सर्वांश में तीनों ही तत्व परिपूर्णता के साथ आप में पोषित हो रहे हैं। ऐसे ही आप निरंतर सब प्रकार के सामर्थ्य को जगाते हुए आगे बढ़ते रहिए। आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की। एंड आवर नेक्स्ट प्रोग्राम इज राजस्थान, प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। राजस्थान की धरती स्वराज गौरव, त्याग व बलिदान की अमर गाथाओं से परिपूर्ण है। यहाँ के महापुरुषों का शौर्य विश्व विख्यात है, इतिहास साक्षी है। जब जब राजपूत रणभूमि में उतरते हैं तो शत्रुओं को नाक और चने चबाने पर विवश कर देते हैं। इस प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां भी ऐसी हैं कि प्रकृति मानो सर्वत्र यहाँ के निवासियों को चुनौती देती है। परिश्रम और साधना यहाँ की जीवन शैली का मौलिक वर्ण है। जहाँ एक ओर राजसी महलों एवं आलिशान इमारतों से यह धरती सुसज्जित है, वहीं लोक संस्कृति के अनेक रंग भी यहाँ बिखरे हुए हैं। पुष्कर जैसे बड़े बड़े मेले यहाँ लगते हैं और बड़े गर्व से लोग झूमते और गाते हैं। आइए ले चलते हैं आपको राजस्थान की पुण्य भूमि पर, जहाँ के लोग अपनी संस्कृति, वेशभूषा इत्यादि से विश्व में अलग ही पहचान रखते हैं। केसरियो रे बनणो बिण्यो तो तुरे तार हजान रे अरे गोली बाजे, अरे गोली बाजे, उरे गोली बाजे, उरे गोली बाजे, उरे गोली बाजे। सत्यानाश होवे थारो। कौन बाज रही, उरे कौन बाज रही? गोली कौन मारियो, गोली कौन मारियो? तू ही तो है। के हो गयो इने? कछु ना है रहो, सपना देख रहे हो? अरे आपको सदमा बैठ गयो।
रे ताऊ, बचपन से यहाँ को सपनो तो फौज में जाने को, मौका तो मिलियो ना, अब यहाँ को दिमाग से गोली बाज रहे हो। बॉर्डर से मारो पुरान ना तो सन 1947 में जब बापू दे नाल गयो तो गोलियां बाज रहे हो थी, तब मैं भी लड़ो धड़ गोलियां चला रहे थो मैं। ओए चुप कर, पैरों पे चला तो जावे ना, अब यहाँ को दिमाग से गोली बाज रहे हो तू, ऐसे बता रहे हो, थोड़ा तो जैसे गोली लाग रहे हो सी, शकल तो थारी लंगूर सु लगे और अकल भी बंदर सु लगे। मारो का अतिथि के सामने बदनाम करने लाग रहे हो, आज तो गोली बाजेगी, आज थारे दिमाग से गोली बाजेगी। चल चल, मारो दिमाग से भी गोली बाज रहे हो। घड़ी कंबा सा, पधारो सा पधारो, आप तो विदेशी अतिथि गण लाग रहे से। जी हाँ, ये विदेश से ही आए हैं, पधारो सा पधारो। हम सब चलते हैं। संगीत सुने को बिना तो हम जाने न देवे आपको, म्यारो परंपरा होवे, संगीत से स्वागत होवे। झूमे सूर्य